नमस्कार दोस्तों, इस अभियान में जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मिशन कलेक्टर, इस अभियान में हम आपको YouTube के वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी को एक धार देना चाहते हैं और आपकी तैयारी को और सशक्त करना चाहते हैं। इस क्रम में जो भी आप हमें जो भी इनबॉक्स में प्रोत्साहन देते हैं, समर्थन देते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही अपने बच्चों का, अपने विद्यार्थियों का, देखने वाले प्रतिभागियों का बहुत ही आभारी हूं। और आपको अगर कोई विशेष समस्या है जो तैयारी से जुड़ी हुई है या तैयारी के किसी खंड से जुड़ी हुई है, और विशेष तौर पर अगर आप इस समय UPPCS के इंटरव्यू को दे रहे हैं, तो आप उस समस्या को भी बॉक्स में लिख कर भेजें। अगर संभव हो सकेगा तो हम लोग उस पर जरूर आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अगर वह व्यक्तिगत है तो फिर व्यक्तिगत तौर पर आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। अगर उस पर एक पूरा एक विषय है जिस पर एक सभी लोगों की आवश्यकताएं हैं, तो वहाँ पर आपको वहाँ पर एक वीडियो भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर चूंकि एक सब कुछ के साथ साथ बच्चों तक पहुंचने का एक सामाजिक उद्देश्य है, बहुत से बच्चों से जुड़ने का एक उद्देश्य है, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट करना, आपका बेल आइकन को दबाना, ये हमारे उत्साह को और बढ़ाता है। यहाँ पर मैं UPPCS का एक बहुत ही प्रमुख सवाल है जो अक्सर चर्चा में रहता है, और जब भी कोई विद्यार्थी UPPCS के इंटरव्यू की सीढ़ी तक पहुँचता है तो एक सवाल उससे अक्सर पूछा जाता है जिसकी वह तैयारी भी करता है कि आपके प्रेफरेंस क्या हैं, आपने क्या प्रेफरेंस भरा है। तो आम तौर पर यह पाया जाता है कि विद्यार्थी डिप्टी कलेक्टर का प्रेफरेंस पहले भरते हैं और वह पहले होता भी है। हालांकि कुछ एक ऐसे विद्यार्थी भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं सर DSP का भरना चाहता हूँ या किसी अन्य पद का भरना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो पहला च्वाइस होता है वह डिप्टी कलेक्टर होता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके फॉर्म में SDM पद का उल्लेख नहीं होता है, आपके फॉर्म में डिप्टी कलेक्टर पद का उल्लेख होता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि डिप्टी कलेक्टर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDM के बीच में क्या फ़र्क होता है। सबसे देखिए पहला अंतर यह होता है कि राजस्व शक्तियों के निहित होने के कारण दरअसल इस पद को डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 जो बहुत पुराना कानून है उसमें डिप्टी कलेक्टर पद से जुड़े हुए शक्तियों और कार्यों की व्याख्या है, जिसे बाद में राजस्व संहिता, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में फिर से व्याख्यायित किया गया। दूसरी तरफ SDM जो है वह मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं दंड अधिकारी या दंडाधिकारी, तो दांडिक शक्तियां होती हैं इसलिए मजिस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन जो SDM की दांडिक शक्तियां हैं वे न्यायिक शक्तियों से भिन्न होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दूसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट होता है वह मजिस्ट्रेट जो है वह अपराध होने के पहले की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए दंड देने की शक्ति रखता है। लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वह अपराध होने के बाद अपराध के मामले की सुनवाई, उस पर विचारण करना, दोषी सिद्ध करना, दोषी को मुक्त करना, दंड देना, इन सब की शक्तियों को रखता है। तो जो SDM है वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, यह बात ध्यान में रखना है। जबकि जो जुडिशरी का जो सिस्टम है उसमें जिले से नीचे के जो पद होते हैं वहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर और SDM के बीच में पहला महत्वपूर्ण अंतर यह है कि
डिप्टी कलेक्टर पद का नाम राजस्व शक्तियों की वजह से है, टैक्स कलेक्शन करने की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की वजह से इसे डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, राजस्व शक्तियां होती हैं इसलिए डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, और यह यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के तहत यह पद जो है इस पद का उल्लेख मिलता है। दूसरी तरफ दांडिक शक्तियां होती हैं इसलिए मजिस्ट्रेट कहते हैं, लेकिन यह एसडीएम जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। दूसरी यहाँ पर बात यह है, दूसरा जो पहलू है वह यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में एडिशनल कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि जो डिप्टी कलेक्टर है उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके जो पद हैं, उसकी जो व्याख्याएँ हैं वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई, 2006 में दी गई हैं। दूसरी तरफ जो एसडीएम के बारे में प्रावधान हैं वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 20 के सब सेक्शन 4 में बताया गया है। तो एसडीएम के बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी में है, और इसके साथ ही जो कलेक्टर पद के बारे में, असिस्टेंट कलेक्टर पद के बारे में, एडिशनल कलेक्टर पद के बारे में जो प्रावधान है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में है। ये सवाल भी यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में पूछा गया है कि एसडीएम के पावर्स कहाँ पर बताए गए हैं, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि एसडीएम के पावर्स कहाँ पर बताए गए हैं तो आप उसको बताएंगे, आप उसका जवाब देंगे कि सीआरपीसी के सेक्शन 20 में सब सेक्शन 4 में एसडीएम के प्रावधान का उल्लेख है, और वहीं पर एसडीएम के पावर्स या सीआरपीसी के ही कुछ सेक्शंस में पावर्स, एसडीएम के पावर्स की बात बताई गई है। फिर इसके साथ ही एक और तीसरा पॉइंट है कि जो डिप्टी कलेक्टर है वो उप जिलाधिकारी भी है। अब आप सोचेंगे कि थोड़ा थोड़ा अंतर है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और आपको शेक्सपियर अगर याद है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब को अगर गुलाब नहीं कहोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर फर्क पड़ जाएगा। दरअसल पद के नाम से कार्य और शक्तियों का भी पता लगता है और पद के स्वरूप के बारे में भी पता लगता है। एक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में एक शब्द प्रयोग किया गया है, सब डिविजनल ऑफिसर, उसको हिंदी में कहा गया उप जिलाधिकारी। तो जो उप जिलाधिकारी है वह तहसील का प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर है। इस तरह से कलेक्टर पद से ही जोड़कर उप जिलाधिकारी को देखा गया। दूसरी तरफ जब आप सीआरपीसी को देखेंगे तो सीआरपीसी के सेक्शन 24 में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उप जिला का प्रभारी बना सकती है, और इस उप जिला के प्रभारी को एसडीएम कहा जाएगा। इस तरह से एक तरफ एसडीओ है जो कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, डिप्टी कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ एसडीएम है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से क्या है, जुड़ा हुआ है। और एक चौथी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कि डिप्टी कलेक्टर को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना होता है जो उसे राज्य सरकार प्रदान करती है, और अगर राज्य सरकार प्रदान नहीं करती है तो जो कलेक्टर के द्वारा शक्तियाँ दी जाती है उन शक्तियों का प्रयोग वह करता है। लेकिन एसडीएम की शक्तियां और कार्य सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है, सेक्शन 129 से 133 तक, 134 से 147 तक। प्रिवेंटिव डिटेंशन पर एक पूरा अध्याय है, चैप्टर 8। इसको सरल भाषा में ऐसे समझें कि अगर कहीं पर कोई आत्महत्या आदि का मामला होता है, आत्महत्या का मामला होता है तो उसमें जाँच करने का काम एसडीएम के पास होता है, ऐसा सीआरपीसी के तहत है, तो ये मजिस्ट्रेट का पावर है। तो इस तरह से सीआरपीसी की धारा 129 से 133, 134 से 147, 174, 176, ये जो धाराएं हैं, ये धाराएं एसडीएम की शक्तियों और कार्य को बताती हैं। कुल मिलाकर जो डिप्टी कलेक्टर पद है वह राजस्व शक्तियों की तरफ संकेत करता है, जबकि एसडीएम शब्द जो है वह दांडिक शक्तियों की तरफ संकेत करता है। जो डिप्टी कलेक्टर है उसकी शक्तियों का जो आधार है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, और इसके साथ ही 1901 में एक उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट बनाया गया था,
वहाँ से सारी शक्तियों की परंपरा चली आ रही है। दूसरी बात यहाँ पर जो है वह यह दूसरी बात यहाँ पर यह है कि डिप्टी कलेक्टर जो है वो उप जिलाधिकारी भी कहा जाता है। वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अर्थात डिप्टी कलेक्टर के लिए SDO शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरी तरफ जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होने के अर्थ में SDM शब्द का प्रयोग किया जाता है और डिप्टी कलेक्टर की शक्तियां जो हैं वह राज्य सरकार के द्वारा तय की जाती है जबकि SDM की जो शक्तियां हैं वो CRPC के द्वारा तय की जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या सभी डिप्टी कलेक्टर SDM होते हैं? ऐसा होना जरूरी नहीं है। डिप्टी कलेक्टर SDM हो सकते हैं, ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वह डिप्टी कलेक्टर को SDM के पद देती है कि नहीं देती है। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण से समझें कि हमारे देश में पुलिस की दो प्रणालियाँ हैं, एक कमिश्नरी प्रणाली है, दूसरी जोन प्रणाली है। तो जो कमिश्नरी प्रणाली है उसमें कमिश्नर को मजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं। हम इसको ऐसे भी समझें कि जोन प्रणाली जहाँ पर होती है वहाँ पर IAS के पास ज़्यादा पावर होते हैं क्योंकि IAS के पास मजिस्ट्रेट का भी पावर होता है, लेकिन जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली होती है वहाँ पर पुलिस के पास IPS के पास ज़्यादा पावर होता है क्योंकि जो IPS होता है उसको मजिस्ट्रेट के भी पावर्स क्या है दिए जाते हैं। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है, पोस्ट है, उसके साथ एक जुडिशियल काम भी क्या है दिया जा रहा है। एक सवाल मन में आपके यह भी उठेगा कि क्या यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के प्रावधानों से असंगत नहीं है कि हम यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका को जोड़ रहे हैं और लोक सेवाओं के बारे में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करेगा। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखने की है कि मजिस्ट्रेट का वह कार्य जो किसी अपराध के बाद सुनवाई विचार करने, दोष सिद्ध करने, दोषी को मुक्त करने, दंड देने, यह सब न्यायिक जो कार्य है वह न्यायपालिका के ही हायरार्की में आता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपराध और को पहले से या अपराध को प्रिवेंटिव तरीके से रोक, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संदर्भ में रोकने से जुड़ा हुआ है, वो कार्य जो है वह मजिस्ट्रेट को क्या है वह दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है उसमें जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अंतर करने की बात कही गई है वह बात वास्तव में यहाँ पर नकारी गई है। तो धन्यवाद, इसको आप तैयार कर ले, यह एक बहुत संभावित सवालों में से है।